साइंस में पढ़ लेते हैं, बसंत साइंस मेरा सब्जेक्ट नहीं है, सामाजिक विषय मेरा सब्जेक्ट है, तो अगर मैं साइंस पढ़ लूंगा तो बच्चे ने साइंस में क्या पढ़ा है, साइंस के हिसाब से उसकी परिभाषाएं क्या है, उसको हम सामाजिक विषय के हिसाब से किस तरह से डाल सकते हैं, अगर वो हम उसमें शामिल कर देंगे तो बच्चा और बेहतर हो जाएगा। जो खनिज की बात कर रहे थे बच्चों, इसके लिए एक बात आपने कही कि इसको हम लोग ले आए, तो खनिज के बारे में यदि बच्चा समझ रहा होगा तो बच्चे से भी हम बहुत सारी चीजों को मंगा सकते हैं कि आपका है और इसका उपयोग कहाँ किया जा सकता है, इसमें भी बात कर सकते हैं। एक और आपने विधि की बात की तो उसमें रोल प्ले कहाँ पर इसमें हो सकता है कि जो हम बच्चे को यदि हमने विधि डाली है रोल प्ले तो कहाँ पर करवा सकते हैं हम इसको? सर उसके लिए मैं पर्ची लाया था खेल के लिए, खेल खेल के माध्यम से इसकी समझ विकसित करने के लिए। एक तो रोल ये था तो सर ये बच्चों में मैं पर्ची बांट दूंगा और ये धातुओं के इसमें नाम लिखे हुए हैं, तो वो वर्गीकरण इनका करने के लिए मैं एक बच्चे को जिसके पास जो पर्ची होगी उसको बुलाऊंगा यहाँ पे और मैं बोलूंगा ये जो तेरे पास जो भी धातु आई है ये कौन सी है, लिख उसमें लिख, मतलब यहाँ पे ये वर्गीकरण करेगा वो बच्चा, क्रम से लिखेगा यहाँ पे जो भी होगी, इसका होगा तो इसमें लिखेगा, इसका होगा तो इसमें लिखेगा और इसके साथ साथ मतलब उसका हम मूल्यांकन भी कर रहे होंगे और वो बच्चा इन पर्चियों के माध्यम सारे बच्चों में मतलब बड़ी रुचि होगी इसके पास क्या है ना, तो और मेरे पास क्या है, मेरे पास धात्विक है या अधात्विक है ना, तो वो सारी मतलब वो रुचिपूर्वक उस चीज को कर रहे होंगे और एक प्रकार से उनके अंदर जो खेल की भावना होगी, खेल जैसा हो रहा होगा और मतलब वो बोर नहीं हो रहे होंगे तो समझने में बड़ी आसानी हो जाती है इन तरीकों से, और खेल खेल में किसी चीज को हम समझा रहे हैं तो बच्चा समझने में भी रुचि लेता और उसको मतलब स्थायी प्रभाव भी पड़ता उसको उस चीज का। तो एक तो ये थी सर खेल विधि के लिए और इसी के माध्यम से हम खनिजों के मतलब खनिज के नाम दे दिए और उपयोगिता के नाम दे दिए उन्होंने पर्चियों के क्या क्या बनता है ना, तो मतलब खनिज के नाम दे दिए और उपयोगिता उन्होंने समझ ली है और यहाँ पर आएगा वो खनिज का नाम लिखेगा उपयोगिता में उसके क्या क्या उस चीज से बनता है वो उनको भी लिख सकता है कि पर्चियों के माध्यम से करा सकते हैं। सर में कुछ खनिजों के नमूने थोड़ा और क्लियर हो सकता था कि कोई लोहा है, अभ्रक है, कोयला है, चूना है, वो स्थानीय स्तर पर हो सकते हैं जी है ना, तो कुछ की जगह अगर उनका नाम डाल दें तो थोड़ा और क्लियर हो जाए, उनको साफ नजर रखें तो थोड़ा और कॉन्सेप्ट क्लियर, क्योंकि कुछ और वैसे अलग है लेकिन जब सामने ला रहे हैं दिख रहा है तो उसका इंप्रेशन थोड़ा अलग पड़ेगा। बनवा सकते हैं जो एक स्थान वाली स्थानीय चीज वाली बात आ रही है, एक आज आपने स्थान का एग्जांपल दिया फिर अपने हिसाब से वो एलोब्रेट उसको जो सीज वाली बात आ रही है उसको और फैला सकते हैं कि इसमें ये चीज़ जो है कहाँ से मिल रही है, कहाँ से आ रही है, उसका स्टेट का नाम है या कंट्री नेम है, जहाँ पे जैसा उचित हो तो ऐसा किया जा सकता है। क्वेश्चन फ्रेम करे जा सकते हैं, बच्चे से क्वेश्चन बनवा दें और अपना करें, मिलान वाला एक पोर्शन है, मिलान वाला काम कर सकते हैं, मतलब वितरण छोड़ा हुआ था लंबा हो रहा था वो खनिज पदार्थों का वितरण हल्का फुल्का था, मतलब इसमें लाए थे वैसे पर वो छोड़ दिया था, बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा था उसको मतलब एक टाइम में नहीं समझा सकते क्लास में इसलिए उसको थोड़ा छोड़ा हुआ था, लेकिन वितरण के लिए हमने मैप वगैरह की व्यवस्था कर सकते हैं, मान लीजिए उससे भी दिखा सकते हैं वितरण को कहाँ पर कौन सा पदार्थ पाया जा सकता और उसका मूल्यांकन करने के लिए हम उनको फिर उसके बाद खाली मैप दे के उसको उनको बनवा सकते हैं। इसको गतिविधि में भी तो मानचित्र पर ढूंढे कि ये स्थान कहाँ है, जब उसका वो क्लियर हो जाएगा कि ये खनिज कहाँ पाए जाते हैं, यदि हम विश्व स्तर पे देखें या भारत पे देखें इसको जोड़ सकते हैं।
एक सर ये भी गुणों बता रहे हैं उसमें तो इससे बच्चों से जो हम पाठ योजना बना दिए और पाठ योजना जो पढ़ा दी है सर तो इससे हम बच्चों से ये बोल सकते हैं कि बच्चों इससे प्रश्न बना के लाओ तो बच्चा प्रश्न मैंने बोला भी ना क्वेश्चन फ्रेम वाले प्रश्न बनाएगा और अगले दिन उसको फिर अध्यापक के माध्यम से उसको समझाया जा सकता है इन प्रश्नों के उत्तर है तो प्रश्न बनाने की क्षमता भी बच्चों के अंदर बिल्कुल तो मूल्यांकन में आएगा सर और उसका जो सुधारात्मक प्रक्रिया होगी उसमें उसका शामिल होगा सर ये पाठ योजना नहीं बल्कि टीचिंग प्लान है शिक्षण योजना है जी 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 पाठ योजना और टीचिंग प्लान में थोड़ा सा डिफरेंस है कि पाठ योजना उसी ड्यूरेशन में फिनिश हो जाना चाहिए जो आपका 35 या 40 मिनट का जो वादन है उसी में उचित फिनिश करनी है बट इसमें जो है उसमें टाइम बाउंड हाँ उसमें टाइम बाउंड है इसमें तो आपके लिए वो है कि आप पूरा नहीं हुआ तो अगले दिन के लिए उसको तोड़ भी सकते हैं जैसे हम लोगों ने किया सर हमने कैप्सूल को 3 भागों में बांटा तो अलग अलग किसी ने अवधारणा उसका वर्गीकरण अलग अलग हम लोगों ने दिया है तो सबने उस टाइप के प्लान बनाए हैं तो इस पर भी हो सकता है सर तो इसीलिए हम इसका नाम ही शिक्षण योजना दे रखा है यदि एक दिन में ना हो हमें लगे कि इस पाठ को एक दिन में नहीं पढ़ाया जा सकता है तो हम इसको अलग से उसकी योजना बना सकते हैं कोई प्रक्रिया फेल हो गई अलग से गतिविधि हो अब बात की आपने लेकिन उसमें कहीं दिखा नहीं कि एक गतिविधि जैसे तो जब सर ने भी बोला कि साइंस से अगर उसको जोड़ते हुए देखते हैं तो धातु और धातु के गुण तो जैसे हम दो बच्चों को ले सकते हैं एक बच्चे को बोला तुम धातु हो और एक बच्चा बन गया अधातु तो वो अपने अपने गुण बताएगा जैसे धातु बोलेगा कि मैं ऊष्मा का सुचालक हूँ अधातु बोलेगा मैं ऊष्मा का कुचालक हूँ तो इस तरह से मतलब वो अपने अपने गुण जैसे बच्चों को बता दी जाए तो गतिविधि के माध्यम से उसको थोड़ा जल्दी मतलब ये भी एक गतिविधि हो सकती है ठीक बात तो हुई है किस जगह ज्यादा पाया जाता है कौन सी स्टेट पर ज्यादा पाया जाता है इससे ये होगा कि बच्चों का जीके भी बढ़ जाएगा उनका नॉलेज भी और अच्छा तो रटा डाले का खोजे कैसे पता कैसे लगेगा सर तो रटने वाला मामला अब एक लोग उसको प्रस्तुत कर रहे हैं तो कुछ ऐसे बिंदु हों जो छूट गए उस पर बात की जा सकती है गुरु जी हमारे जो ये दो तीन बिंदु है ना ये आप एक बिंदु से सीधे पार चलेंगे और फिर आप ऊपर चल दिए ये दो दो बिंदु हमारे छूट गए सर थोड़े से जैसे मानचित्र वाला है ना आप बताओ सर नहीं नहीं ये जो मानचित्र में लिखा आपने अच्छा ये मानचित्र ये दो चीज आपसे दोबारा से लिखी इसमें जी 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 ये जो दे रहा हूं मैं हो जाता सर जब जो कमेंट्स यहां से आए सर आदि उसको वो हमारे पास थे मतलब अगर वो केंद्र हो जाते तो शायद हां वो इस टाइम ये पुस्तिका उस टाइम भी मैं नोट करना ना आप ऐसा कुछ तो हमारी प्रक्रिया ये है कि हमने बच्चों को दिखाया धातु या धातु में कोयला है लोहा है तांबा है तो ये हमारे स्थानीय आधार पे मिल सकता है और उसको हमने इकट्ठा करके उस बच्चे को जैसे चौक है हमारे पास चौक है ऐसी चीजें जो है हम जो उसमें अब हमने पहले ही चरण हमारे ये है हमने क्या है पर्ची लिखी हमारे पास ये पर्चियां हैं ये कुछ पर्चियां हैं इनमें कुछ नाम लिखे हुए हैं और इन नामों को हम प्रत्येक बच्चे को देंगे जैसे हमने यहाँ दे दिया यहाँ दे दिया और ऐसे हमने बच्चों में आगे बांट दिया तो प्रत्येक बच्चा इसको ढूंढेगा अब प्रत्येक के पास है और हम उसको पूछ सकते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ तो बताएगा उसका नाम इसमें चीज लिखी हुई है और उस चीज को हम बताएंगे धातु है या अधातु है इस तरह से हम बच्चों में उसको जो है गतिविधि कर सकते अगला है धातु का अधातु खनिज अब इसका हमने पहले ही बताया कि खनिज वो है जो खानों से मिलता है जो जमीन के अंदर जितनी भी चीजें हैं चाहे वो किसी भी प्रकार के वो हमारी क्या खनिज है ठीक है तो वो जो है तो अगला है कि मानचित्र की मदद से हम विश्व में विभिन्न खनिजों के वितरण को ढूंढेंगे विश्व में जितनी भी चीज है ना जैसे लोहा है तांबा है जस्ता है अभ्रक है कोयला है ये कहाँ कहाँ क्योंकि कोयला बच्चा जानता है घर में वहां लकड़ी से होती है और लकड़ी से सीधे जानता हूँ कोयला जो है लकड़ी से बनता है और तब कोयले के प्रकार है कि कोयले दो प्रकार के होते हैं एक लकड़ी से है और एक खान से निकलता है जो पत्थरों के कोयले होते हैं इस तरह से हम उसको और जैसे हमारा गेहूं है स्थानीय बच्चा जानते हैं कि गेहूं है तो गेहूं की मात्रा हम विश्व में कहां कहां उसको दिखा सकते हैं गेहूं कहां कहां होता है और ये तो फसलों में हो गया लेकिन जो उसी प्रकार से उसमें जाएंगे कि लोहा लोहा कहां है तांबा कहां है अभ्रक कहां है ठीक है जैसे भारत का अभ्रक में पहला स्थान है तो
इस तरह से हम इसको दिखा सकते हैं। दूसरा है, अब हम इसको क्या कर रहे हैं, गतिविधि के द्वारा भी कर रहे हैं, सिखा रहे हैं कि ये मानचित्र है हमारे पास और ये हमारे पास ग्लोब है, इससे भी हम दिखा सकते हैं। और फिर मानचित्र में हमने जो सिखाया कि कहाँ कहाँ है, उसको हम खाली मानचित्र बच्चों को दे रहे हैं। खाली मानचित्र देने से बच्चों में दो कौशल का विकास हो रहा है, एक तो उस चीज को समझ रहा है क्या है, और दूसरा वो जो है विश्व के मानचित्र को दर्शाने में उसमें क्या है, उसके जो मानचित्र की जो परिभाषा कहाँ है तो उसको वो क्लियर। ठीक है सर, अगला चरण हमारा था खनिज की उपयोगिता। अब हमने यहां तक तो कर दिया सही, अब उसके बाद हम बच्चे को देख रहे हैं कि बच्चे ने, ये बच्चे को बता रहे हैं कि खनिज की क्या क्या उपयोगिता। हमने दे दिया यहाँ पे लोहा, क्रमांक एक पे हमने लिखा खनिज का नाम लोहा। अब लोहे को हमने दे दिया कि बच्चे यहाँ पे समझ रहा है कि इससे क्या बनता है, क्योंकि घरों में औजार तो होते हैं है? उससे अब जैसे हमारे पास चौक है या खड़िया है, इस तरह से हम उसको बता सकते इससे क्या हो रहा है, इस तरह से। ठीक, अब हमने उसका मूल्यांकन करा। एक तो हम यहाँ पे सतत, क्योंकि यहाँ पे जब हम चल रहे हैं तो बच्चा गतिविधि भी कर रहा है और हम उसको पूछ भी रहे हैं कि यहाँ पर कौन सा स्टेप कैसे हो रहा है, तो ये हमारे मूल्यांकन को सतत मूल्यांकन। और पुनः हम जो है उसको जैसे पर्ची दे दी फिर कि ले ये पर्ची है, पर्ची पकड़ा है हमने और बच्चे ने कहा कि ये धातु अधातु दो चीज बना दी हमने, धातुक और अधातुक। ठीक, और वो बच्चा इसमें लिखेगा कि कहां पर कौन अधातुक है कौन धातुक है। इस तरह से सर हमारा जो है ये, इसी से ये यहाँ पर हमने इसको चार्ट के रूप में दिखा रखा है कि धातु कौन है, अधातु कौन है, धातु में लौह है, लौह है। ठीक है, लौह में है लौह अयस्क, मैग्नीज, क्रोमाइट और सोना, ये अलौह में है सोना, चांदी, तांबा, सीसा, निकेल और प्लेटिनियम, जस्ता। और अधातु में है जो उसके कुचालक भी हैं, इसके विद्युत के कुचालक भी हैं, चूना पत्थर है, अब्रक है, जिप्सम है, खनिज ईंधन है, कोयला है और पेट्रोलियम गैस, पेट्रोलियम और पेट्रोलियम गैस, इस तरह से। बहुत सुंदर सर, ये 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 यहाँ पर हम ये लेंगे बच्चों को, जैसे हम लोग बच्चों को कुछ चीज़ याद कराते हैं ना, तो सीक्वेंस में कैसे बच्चे उस चीज़ को याद करें, उसके लिए सर आप यहाँ से किसी एक फल का नाम बताइए। रियल जी, कोई अमरूद, आप अमरूद के साथ एक और फल का नाम दीजिए, जोर से बोलिए। अमरूद, आम, केला, अमरूद, आम, केला, संतरा, अमरूद, आम, केला, संतरा, अनार, अमरूद, आम, केला, संतरा, अनार, अंगूर, अब पूरा पूरा सबका लिख करके आप बोलेंगे, अमरूद, आम, केला, संतरा, अनार, अंगूर, अंगूर, एक और अपना नहीं बोला, अपना और जोड़िए, एक नया जोड़ो, हाँ, नाशपाती, अमरूद, आम, केला, संतरा, नाशपाती, अंगूर, नाशपाती, अमरूद, आम, केला, अमरूद, अनार, आपको याद है? सब भूल गए इतनी जल्दी? अमरूद, आम, केला, संतरा, अंगूर, अनार, अमरूद, आम, केला, संतरा, अनार, अंगूर, नाशपति, सेब, सेब, अमरूद, आम, केला, संतरा, अनार, नाशपाती, अंगूर, आम, आम, केला, संतरा, संतरा, आम। अब ये दो लोग बचे, बक्सी एक ही लोग बचे, अमरूद, आम, केला, संतरा, अनार, अंगूर, नाशपाती, सेब, सेब, पपीता, अमरूद, आम, केला, संतरा, अनार, नाशपाती, सेब, ये फर्स्ट आ गया, अब ये फर्स्ट।
सुनो भाई सुनो, तो आप कहेंगे क्या भाई क्या, मैं कहूँगा नवीन पुरियाल की हो गई, तो सब लोग कहेंगे वाह भाई वाह। ठीक चलिए सुनो भाई सुनो, क्या भाई क्या, नवीन पुरियाल की हो गई वाह भाई वाह, हम सबकी हो गई वाह भाई वाह। बोल भाई कितने, आप चाहे जितने, बोल भाई कितने, आप चाहे जितने, बोल भाई कितने, आप चाहे जितने, पांच पांच खींचना नहीं है, पांच का बनाएगा पूरा आउट हो जाएगा, ज्यादा हुआ तो सब आउट हो जाएगा। पांच पांच के लिए हमारे साथी, हमारे साथी जिनका नहीं बन पाया कमा लगे, बोल भाई कितने, बोल भाई कितने, बहुत थोड़ा सा फास्ट है, बोल भाई कितने, स्पीड थोड़ी बढ़ा, बोल भाई कितने, आप चाहे जितने, बोल भाई कितने, आप चाहे जितने, भाई भाई संख्या कम हो रही, थोड़ी और पढ़ाई, बोल भाई कितने, बोल भाई कितने, बोल भाई कितने, सात सात के जितना नहीं बना है तो आउट हो जाएंगे। बच्चे बहुत प्रेम हो रहे हैं, बच्चे बहुत स्वास्थ्य हो रहे हैं, चलिए कमल करें, बोल भाई कितने, बोल भाई कितने, थोड़ा सा फास्ट थोड़ा सा कदम है, बोल भाई कितने, बोल भाई कितने, बोल भाई कितने, एक एक सिंगल रहना, एक का वाला सिंगल, चलिए बोल भाई कितने, दस भाई, किसी के कपड़े वगैरह मत पीछे, किसी को बचे, चलिए प्लीज कीप लो योर साउंड, कीप योर साउंड लो, अपने साउंड को रखें। अब जो 10-10 के ग्रुप बने हैं, आप एक छोटे से सर्किल में आ जाएं, बना लें अपना छोटा सा सर्किल बना लें, कोई बात नहीं, कम भी चलेगा, कम भी चलेगा। तो सुनने एक टास्क है छोटा सा, इधर आवाज कहीं ज्वाइन कर कि आपके पास कोई भी नहीं है, कोई भी शक्ति नहीं है, कुछ नहीं है, और आप कोई साउंड क्रिएट करनी है, कोई साउंड क्रिएट करनी है, तो आप अपने ग्रुप के द्वारा एक मिनट होगी, एक हो तो एक मिनट का समय शुरू होता है। अब अभी नहीं, अभी तय कर लिया, तय करी बात, एक मिनट का समय, अपनी साउंड क्रिएट करनी है कोई भी। अब शुरू करते हैं, देख कौन सी साउंड आई, हेलो हेलो, बारिश के साउंड, गुड है,
क्या बात है स्कूटर की। Thank you.